वेलकम टू दी चैनल क्विक प्रेप क्लासेस। माय नेम इज शाहरुख सैफी। इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों दिल्ली आईटीआई के एडमिशन को लेकर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है उसकी वीडियो पहले ही प्रोवाइड करवा दी है, और जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई 2022 है, यानी कि अभी आपके पास इनफ टाइम है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि बच्चे को पता तो होना चाहिए कि वो कौन से ट्रेड में इंटरेस्टेड है, और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी उसे पता होना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, जो भी बच्चे दिल्ली से बिलोंग करते हैं, दिल्ली में ही रहते हैं, तो दिल्ली से आईटीआई करने का ये बेनिफिट है कि जो रिजर्वेशन है बच्चों 90% जो सीट होती है ना वो सिर्फ दिल्ली वाले ही स्टूडेंट्स के लिए होती है, और 9% जो सीट होती है वो आउटसाइड वालों के लिए, और 1% जम्मू एंड कश्मीर वालों के लिए। तो इस बात का आपको पहले पता होना जरूरी है। तो इस प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग हमें चीज़ों को जानना जरूरी है। अगर हम देखें सबसे पहले तो यहाँ पर बच्चों ये जो दिल्ली आईटीआई है, वैसे तो जो आईटीआई होती है ऑल ओवर इंडिया में करवाई जाती है, तो अलग अलग स्टेट में भी होती है, तो इसलिए जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड होते हैं वो एक नेशनल लेवल के और एक स्टेट लेवल के। स्टेट लेवल के आप जानते हो आपने जिस भी स्टेट से करी हो, और नेशनल लेवल के जो भी ऑल ओवर द इंडिया आपके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। क्लियर है? उसके बाद जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके लिए वो है हेल्पलाइन। यहाँ पर आपको दिल्ली में जितनी भी आईटीआई है उनका एड्रेस, लैंडमार्क, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के नेम, और साथ ही फोन नंबर और ईमेल आईडी आपको प्रोवाइड कराई गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे आईटीआई पूसा हो गया जो कि राजेंद्र प्लेस है, आईटीआई अरब की सराय हो गया निजामुद्दीन जो कि निजामुद्दीन माफ कीजिएगा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के आसपास है, और शाहदरा हो गया, मतलब ऐसी बहुत सारी है। और एक चीज का और ध्यान रखना, कुछ आईटीआई ओनली फॉर वुमेन्स के लिए भी है, ये भी आपको पता होना जरूरी है। अगर वुमेन्स की अगर हम बात करें तो ये तो सारी मिक्स वाली है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे यहाँ पर ऑलरेडी सावित्रीबाई फुले ओनली फॉर वुमेन्स है, आईटीआई फॉर वुमेन तिलक नगर ये भी फॉर वुमेन्स के लिए, तो टोटल 19 यहाँ पर शो हो रही है। क्लियर? उसके बाद अगर हम ये सारा आपका कंटेंट है जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में हम बात करेंगे, रेफरेंस के लिए यहाँ पर आपको लिंक भी प्रोवाइड कराया गया है बुक्स को बाय करने का, और जो टेंटेटिव शेड्यूल है तो वो आपको पता होना जरूरी है। मैंने पहले भी बता दिया था 4th जुलाई 2022 से ही आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए थे, लास्ट डेट 31st जुलाई है। उसके बाद जो चॉइस फिलिंग वाला है इसमें आपको पहले पेमेंट करनी पड़ेगी, उसके बाद आप अपनी चॉइस फिल कर सकते हो कि आपको कौन से ट्रेड को सबसे अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखना जरूरी है, तो वो 3 अगस्त तक आप कर सकते हो। उसके बाद कुछ आपका करेक्शन के लिए डेट निकाली जाएगी, 8 और 9 अगस्त के आसपास फाइनल रैंक आएगी, उसके बाद शुरू होगा आपके राउंड सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट। तो सबसे पहला जो पब्लिश होगा फर्स्ट राउंड जिसमें आप सभी को सीट अलॉटमेंट प्रोवाइड कराई जाएगी, तो वो होगा 18 अगस्त को। इसी तरह बच्चों अगर आपका फर्स्ट में नहीं आएगा तो फिर सेकेंड राउंड भी होगा, और ऐसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पर थर्ड राउंड, फोर्थ और फिफ्थ राउंड तक आपका ये चलेगा, तो इस बात का आपको ध्यान रखना जरूरी है। एक चीज और आपको पता होनी चाहिए, अगर आप अपना एडमिशन फ्रीज करवा लेते हो, फिक्स्ड करवा लेते हो, तो ऐसे सिचुएशन में आपको ऑफलाइन जाना होगा जहां पर भी आप करना चाहते हो, और अपने डॉक्यूमेंट सारे सबमिट करने होंगे, और कुछ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने वो अभी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि सर हम कर क्या क्या सकते हैं आईटीआई के अंदर, तो ये देखिए ये जो सारे ट्रेड्स है क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम के अंदर आते हैं, तो यहाँ पर उनका ड्यूरेशन दे रखा है, कौन सी वो पोस्ट है, कौन सा वो ट्रेड है, और उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, यहाँ पर आपको सभी मिल जाएगा। और ये 2 टाइप्स का है, एक होता है इंजीनियरिंग से रिलेटेड और दूसरा होता है नॉन इंजीनियरिंग से रिलेटेड, यहाँ पर आपको ये मेंशन ऑलरेडी किया हुआ है। तो अगर हम देखें जैसे मैंने कुछ चीज़ें हाईलाइटेड कर रखी है तो इसमें आपको पता चल जाएगा, काफ़ी ज़्यादा बच्चे करते हैं, जैसे हो गया कारपेंटर हो गया, उसी तरह कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर, डिजिटल फोटोग्राफर, मतलब और भी है लेकिन मैं इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर रखे आपके लिए, इलेक्ट्रीशियन हो गया, उसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, इंटीरियर डिजाइन एंड डेकोरेशन, और उसके अलावा आप देख सकते हो मैकेनिक 2 और 3 व्हीलर वाले, पेंटर हो गया जो जनरल होते हैं, स्टेनोग्राफर हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, काफ़ी पोस्ट निकलते हैं, टेक्सटाइल डिजाइनिंग हो गया कपड़ों से रिलेटेड जो होता है,
उसके बाद वायरमैन हो गया और साथ ही एसी फ्रिज का जो टेक्नीशियन होते हैं वो हो गया, और भी मतलब 54 आपको यहाँ पे ट्रेड्स देखने को मिलेंगे जिसमें आप कर सकते हो। ये ड्यूएल वाले हैं, ठीक है ना, डीएस की मतलब होता है ड्यूएल वाला, तो इसका भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। और उसके अलावा अगर हम मेन बात करें एज लिमिट की, तो एटलीस्ट 14 ईयर आप होने जरूरी है तभी आप अप्लाई कर सकते हो। फिजिकल फिटनेस का होना भी जरूरी है। और अगर बात की जाए आपके एग्जाम की, तो बच्चों आपके एग्जाम कोविड की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए, पैंडेमिक को, तो ऑनलाइन क्लासेस भी हो सकते हैं, वो तो बाद का प्रोसेस है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या जरूरत होगी जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करोगे, हालांकि ये तो वीडियो में भी आपको पता चल जाएगा, बट फिर भी अगर आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एससी एसटी ओबीसी एनसीएल वाले ईडब्ल्यूएस, तो आपको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। सब कैटेगरी में जेके एनसीसी डिफेंस और साथ ही माइनॉरिटी, ये जितने भी है उनको भी देना होगा। और उसके अलावा ज़्यादा कुछ चीज़ें है नहीं। क्वालिफाइंग मार्क्स में सबसे इम्पोर्टेंट है कि 8वीं और 10वीं ही यहाँ पर आपसे मांगी गई है। इनके जो सर्टिफिकेट है वो आपको इसी प्रोस्पेक्टस में लास्ट में देखने को मिल जाएंगे, जो आपको फुलफिल करना पड़ेगा और उसको वेरीफाई भी करवाना पड़ेगा, ठीक है। और अंडरटेकिंग भी आपको देनी होगी, जो कि कंपलसरी है, वो बाय रिटर्न देनी होगी। और ये आपको अंडरटेकिंग कहाँ पे मिलेगी, वो आपको पेज नंबर 88 इस प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगी, जिसे मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, अभी आपको दिखा भी दूंगा। फोटोग्राफ में आपको 20 से 50 KB के बीच में एक फोटोग्राफ भी अपलोड करनी होगी। एडमिशन का प्रोसेस क्या है, यहाँ पर सबसे पहले बच्चा रजिस्ट्रेशन करेगा, फिर उसकी ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद वो चॉइस फिलिंग कर सकेगा, फिर रैंक जनरेट होगी, और उसके बाद काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग के बाद जो बच्चे अपनी, जैसे मैंने आपको बताया था, सीट को फ्रीज करवाना चाहते हैं, तो उन्हें फिजिकली रिपोर्टिंग देनी होगी और अपनी पेमेंट सबमिट करनी होगी। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या जरूरी होंगे फिजिकली रिपोर्टिंग में, आपका अलॉटमेंट स्लिप हो गया, प्रोविजनल एडमिशन हो गया, ओरिजिनल सर्टिफिकेट हो गया, फोटो कॉपीज होगी सारी, और उसके अलावा मेडिकल सेल्फ अटेस्टेड जो रैगिंग से रिलेटेड होता है, अंडरटेकिंग हो गया, करेक्टर सर्टिफिकेट, आधार और 3 फोटो, ये सारी चीजें होती है, जो कि आपको आपका जो डेस्कटॉप होगा उसमें बहुत सारी चीजें वैसे भी आपको अवेलेबल हो जाएगी, क्लियर है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये आपका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के लिए कुछ गाइडलाइंस दे रखी है कि आपको ऐसे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है, जिसकी वीडियो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दी है। और इसके अंदर एक चीज मैं आपको जरूर दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा आपका चॉइस फिलिंग का, देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा आपके सामने दिखाया जाएगा, ये सारी लिस्ट होगी, यहाँ पर आपको ऐड करना है और वो यहाँ पर शो होती रहेगी, और 1, 2, 3, 4 प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप उन्हें चूज कर सकते हो, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये आप देख सकते हो जैसे डेमो के तौर पे यहाँ पे दिखाया गया है, अगर आपको तीसरे नंबर को पहले नंबर पे लाना है तो यहाँ पर अप कर देना, यहाँ पे डाउन कर देना, तो ये काफी सिंपल सा प्रोसेस है, आप कर लोगे इजिली, ठीक है। ये वाला ऑप्शन आपको दिखेगा चॉइस फिलिंग वाला, तो ये तो सारी चीजें होगी जो कि मैंने आपको ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन में बता रखी थी। रिजर्वेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि 90% जो सीट्स होती है वो दिल्ली वाले बच्चों के लिए होती है, और 9% दिल्ली से आउटसाइड वाले, और 1% जो कि जेएनके माइग्रेंट्स हैं। सीटों का रिजर्वेशन कुछ इस टाइप से है, जैसे यहाँ पे एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस हो गया, बहुत सारी कैटेगरी है, उनका रिजर्वेशन यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा रखा है। उसके बाद अगर इम्पोर्टेंट बात की जाए तो वो है आपकी फीस स्ट्रक्चर को लेकर, तो यहाँ पर गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट कंपोनेंट की जो फीस है वो आपको प्रोवाइड कराएगी है। इसमें आपको जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, जो आईटीआई इंजीनियरिंग ट्रेड से करेंगे और जो बच्चे आईटीआई नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड से करेंगे, तो उन दोनों की फीस अलग अलग है। यहाँ पर आप सारी फीस देख सकते हो, उनकी कैटेगरी देख सकते हो, एससी एसटी बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए, ऑल कैटेगरी बॉयज के लिए। ये ओनली आईटीआई जो इंजीनियरिंग फील्ड से करेंगे, जो जो आती है उसके अंदर, उनके लिए, और नीचे वाली नॉन इंजीनियरिंग वाले के लिए तो आपको पता होना जरूरी है। तो यहाँ पर आपको डिटेल में बताया गया कि जो भी आप ट्रेड्स करेंगे, जो भी आप कोर्स करेंगे, तो उसके अंदर आपको क्या क्या करना होगा, तो यहाँ पर सभी के दे रखे, एक से लेकर आप स्क्रॉल डाउन करते रहेंगे, जिसमें भी इंटरेस्टेड हो आपको पता चल जाएगा इजिली, तो आप आराम से अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उसे रीड आउट कर लेना, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये सारी डिटेल्स दे रखी है अलग अलग जगह की, और यहाँ पर वो सेक्शन आते हैं जहाँ पर आपको जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराने होंगे, तो यहाँ से आपको इनको प्रिंट निकलवा लेना है और अपने हैंड रिटन राइटिंग में फिलअप करना है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो करेक्टर सर्टिफिकेट भी दे रखा है, बहुत सारे सर्टिफिकेट हैं, और ये रहा अंडरटेकिंग का भी, यहाँ पर आपको
मिल जाएगा, ठीक है। जो मेन आपको रजिस्ट्रेशन करते वक्त अपलोड करना होगा वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, तो वो है बच्चों ये वाला, ये रहा अंडरटेकन बाय कैंडिडेट। तो यहाँ पर आपको इसको ही अपलोड करना है जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करोगे, ठीक है। उसके बाद कुछ यहाँ पे ITI की डिटेल्स दे रखी है कि वो कहाँ कहाँ पर है, तो आप आराम से देख लेना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यही बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, बाकी तो सारी चीज़ें इसमें ही है। और अच्छे से पढ़ने के लिए आप प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड ज़रूर कर लेना, जिसे मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है आफ्टर 8th क्लास 10th क्लास वो सभी एलिजिबल हो जाते हैं, और अच्छी होती है इसमें, ठीक है। बच्चा करता है क्योंकि यहाँ पर आपके थ्योरिटिकल कम प्रैक्टिकली चीज़ें ज़्यादा करनी होती है, तो इसलिए बहुत सारे बच्चे करते हैं। और होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कमेंट शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं।